चोट कैसे लगी? हाँ? ये तो खून बह रहा है। कुछ ना हुआ, बस जरा सी चोट है। कितना तो खून बह रहा है, बोल रहा है कुछ ना हुआ। चल बैठ जा यहाँ पे। खून बह रहा है, दिखा जरा। तो रुक जा, मैं फिटकरी पानी लेके आती हूँ, ठीक है? बेटा, फिटकरी कहाँ है? वो फिटकरी उस खिड़की की तरफ है। अच्छा सुन, दर्द नहीं होगा, ठीक है? आंखें बंद कर ले। काकी सा, रसाल ने मत बताना कि मन्ने चोट आई है, वो घबरा जाएगी। बेटा, ये तस्वीर किसकी है? वो हमारी मासा की है। क्या? बच्चों की माँ ना है? ईश्वर कभी किसी बच्चे के सर से माँ का साया ना छीने। माँ की याद तो आती होगी ना? बहुत याद आती है, और रसाल के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आज से 2 दिन बाद बापू सा एकादशी के दिन फूली से ब्याह करके उन्हें हमारी माँ बना कर ला रहे। एकादशी के दिन शादी? बस 2 दिन है, जो करना इन्हीं 2 दिन में करना होगा। चकुरी शिवा, माफी भाई साहब, ये क्या किया है तूने? बापू साहब, वो मैं गिर गया था, काकी साहब ने साफ कर दिया, तो अब ठीक है। तो देख के चला कर छोरे, कितनी चोट लग गई है तने। बापू साहब, मैं साल ने देख के आता हूँ, अगर उसकी नींद खुल गई तो मन्ने खोजेगी। चढ़ पाएगा? हाँ। जा, देख भाई साहब, आप मैं मार लो, आपने ये सब करने की कोई जरूरत ना है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मन्ने, जान बचाई आपने मारी, उसके आगे ये तो कुछ भी ना है सरपंच साहब। ना भाई साहब, ना जान तो आपने खतरे में डाली थी, मारी छोरी की जान बचाने के वास्ते, और इस बात का एहसान मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊं। आप आराम से रहो, मैं मारू आप, ये सब ना करो। जी राम राम। मांग हो गया, एकादशी के दिन आपका ब्याह होगा, पर दुल्हन फूली से ना, चकोरी होगी। माफी सरपंच साहब। ठीक है? माफी, वो पानी में पैर पड़ गया था। कोई बात ना भाई साहब, ख्याल रखे, और आप मेहमान हैं, आपकी तबीयत ठीक ना है, आप ये सब ना करें। आपके रहने का इंतजाम करता हूँ, आप आराम। चकोरी में इतना करंट है कि अच्छे अच्छे छटका खा जावे, आपके भी पसीने छूट गए मन्ने छूके। आगे आके देखते जाओ सरपंच साहब, कैसे मारे से चिपके रहोगे। बड़ी मेहरबानी। We'll be right back.
बेचारी कितने दुख झेलती आई है जीवन में। पति ना रहा, परिवार में भी कोई देखने वाला ना है, स्वभाव से भी भली औरत लग गई। तभी तो एक पराए बच्चे के लिए ममता जागी और आग में कूट पड़ी, बिना अपनी जान की परवाह किए। ईश्वर इसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, जो चाहे वो पा जाए। चकोरी सा, आप अटे के कर रही हैं? वो बच्चों को उठाने वास्ते ढूंढ रही थी, मैंने पता न था ये आपका कमरा है। मैं बस ये कहने आई थी कि नाश्ता तैयार है। पर आपने नाश्ता क्यों बनाया? वो तो फूली माँ से लेकर आने वाली थी ना, है ना बाबू सा? और उन्हें पता भी है कि हमें क्या पसंद है। चकोरी सा, आप मेहमान हो, आपने ये सब करने की कोई जरूरत ना है। पुली नाश्ता लाने वाली है, हमारे साथ मिलके खा लेना। पर मैंने मूंग दाल के पकोड़े बनाए थे। पर काकी सा, आपने क्यों पकोड़े बनाए? वो तो पुली मासा हमारे लिए प्याज की कचौरी लाने वाली है। बहुत बढ़िया प्याज की कचौरी बनाती है वो, और वो हमें पसंद भी है ना रसू? आप भी मेरे साथ खा लेना। ठीक से कड़वा बार पापुसा? वो तो मेहमान है ना, मेहमानों से थोड़ी ना काम करवाया जाता है, उनकी तो सेवा करती है ना। पर उन्होंने नाश्ता क्यों बनाया? जब फूली मासा आ जाएगी तो हम सब मिलकर सारा काम करेंगे। ठीक बात है, पहले फूली ने आने दे, नाश्ता कर ले, जितना काम चाहे कर लिए। जा जा के नहा के तैयार हो जा, जा ले जा बहन। ठीक है बापू साहब।